घमंड, बस यही है मेरी गंगा की सौगंध। मेरा कहर देखकर जबान चलाने वाला हो जाता है जिंदगी भर के लिए अकला। नहीं, नहीं। डाकू, गंगा ने अपनी जबान से सौगंध खाई है, आज के बाद न किसी दूल्हे को मरने देगी और ना ही किसी दुल्हन को लूटने देगी। अरे बेवकूफ, दूल्हे से हमें क्या लेना देना? लेना देना है तो सिर्फ दुल्हनिया से, और उसको उठाने का काम करते हैं मेरे तीन आदमी, चंगा, पंगा और दंगा, और वो दुल्हनिया को उठाकर लाते ही होंगे। दुल्हन ले आए। भगवान के नाम को बदनाम करने वाले, दुल्हन को छोड़ दे। और सुन ले, इस गंगा ने उस गंगा मैया की कसम खाई है कि तुम लोगों को कफन पहनाएगी। तेरे साथी तो भाग गए, तू नहीं भाग पाएगा, भागा तो गोली मार दूंगा। चल पुलिस ने टकला डाकू को गिरफ्तार करके सारा खेल ही खराब कर दिया, वरना मैं आज टकला डाकू का सारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खराब कर देती, और साथ ही उन लोगों को भी मार डालती जो दुल्हन की इज्जत के दुश्मन हैं। मगर अफसोस, वो लोग भाग गए। वो तो भाग गए, तुमने दुल्हनिया को टकला डाकू से बचा लिया, लेकिन खबर मिली है कि ताराबाई के साथी गांव पे हमला करने वाले हैं। ने ऐलान किया है, इस गांव में जो भी दूल्हा बनेगा या तो सजेगा या उसकी चिता जलेगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी दुल्हन की गोली उठी तो हम उसे उठा ले जाएंगे। अरे वाह, ये तो दुल्हन चली आ रही है। जाओ तुम सब लोग ताराबाई से कहना मैं दुल्हन उठाकर ला रहा हूँ, लेकिन तुम अकेले हो, अगर डाकू गंगा आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा, मैं ताराबाई का कुत्ता हूँ, लोग तो गंगा जल पीते हैं, मैं तो गंगा का दूध पीऊंगा। जाओ तुम लोग जाओ। Oh!
भाई से कह दे अब गांव में शादी होकर ही रहेगी, यही गंगा की सौगंध है। हिम्मत है तो शादी रोक के दिखा दे। क्यों रे, पान खा के आ रहा है या मार खा के? मार खा गया हूँ सरदार। किसने मारा? गंगा ने मारा सरदार, और गंगा ने गंगा की सौगंध खा के ऐलान किया है कि गांव में शादी करा के रहेगी। शादी? मैंने ढिंडोरा पिटवा के मना भी करवाया था, कोई शादी नहीं करेगा, कोई दूल्हा नहीं बनेगा, शादी होगी तो बर्बादी भी होगी। जाऊंगी रे, आज ही दूल्हे को उठा के ले आऊंगी। बारातियों, मैंने ढिंडोरा पिटवा के मना भी करवाया था, कोई दूल्हा नहीं बनेगा, अब तू दूल्हा बना है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुझे रात के अंधेरे में ले जाऊंगी, दिन के उजाले में मारूंगी, दूल्हे राजा। नहीं तारा भाई, नहीं। तारा भाई नाम है मेरा, दूल्हों को उठाना काम है मेरा। तो दुल्हन को उठा ले जाते हैं, मैं तो दूल्हा हूँ, तो मुझे क्यों उठा के ले आई? मैंने चारों तरफ ढिंढोरा भी पिटवाया था कि कोई शादी नहीं करेगा, कोई दूल्हा नहीं बनेगा, फिर तूने शादी क्यों की? लेकिन तुम तारा भाई चाहती क्या? मैं तुझे इसलिए उठाकर लाई हूँ कि जो तू रात के अंधेरे में करने वाला था वो दिन के उजाले में मेरे साथ कर। लेकर तारा भाई, अब तो मुझे छोड़ दो। तू दूल्हा बना है ना, अब देख तेरी दुल्हन विधवा बनेगी, अब देख मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं तारा भाई, नहीं। गंगा के होते हुए तेरी कोई भी गोली किसी भी दूल्हे का सीना नहीं फाड़ सकती। तारा दूल्हे, तू जा अपनी दुल्हन के पास, मैं इससे निपटती हूँ। अच्छा गंगा, मैं इस दूल्हे को नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दूल्हे। मेरा बापू जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे चल जा, वो मुच्छड़ हिजड़ा मुझे क्या मारेगा। गंगा, अरे नी गोरी बाहर आ। रुलाने वाले चले जाए यहाँ से, नहीं तो भोलेनाथ की सौगंध बारूद के ढेर पर बिठाऊंगी और धमाका करके तेरे चीतड़े उड़ाऊंगी। हीरे के चीतड़े उड़ाने वाली, कुंडी से गाना गवाने वाली, अब देख मैं तेरे चीतड़े कैसे उड़ाती हूँ। मरने के बाद मैं तेरे से कैसे गाना गवाती। काश काश तू मर्द होता तो तुझे मार कर मैं मर्द मार बन जाती, मगर अफसोस रे तू तो हिजड़ा है, जिससे बहती हुई नाक पोछी जाती वो गंदा कपड़ा है। गंदा गंदा, अरे मैं तो मौत का बंदा, तेरे गले पड़ूंगा तो बिल्ली की तरह बिलबिलाएगी। बिल्ली की तरह? बिल्ली नहीं,
के मारूंगी और तेरे ये के मारूंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो तीनों नगोड़े मरने के लिए यहाँ ना आ जाए। ठाकुर ठाकुर वे आगे मरने के लिए सत्य जाओ। आ गए हम तीनों डाकू आ गए गंगा का खून करके गंगा में उसका खून बहाने आ गए। गंगा की तरह हम फिर कोई नया शिकार करेंगे नकद नहीं उधार करेंगे। आओ तुम तीनों भी आओ और गोली खाओ। गंगा ने इसके दोनों टांग पर गोली मारी है तुम्हारे तो पीछे गोली मारेगी कमर के नीचे गोली मारेगी। अब मेरी बात मानो जिस नाव से आए हो ना उसी से तीनों वापस लौट जाओ वरना गंगा तुम तीनों को इसी नदी में डुबा डुबा कर मारेगी। गंगा है कहाँ और क्या कर रही है? गंगा तो तुम लोगों की मौत का इंतजार कर रही है। मेरे दुश्मनों गंगा का इंतजार खत्म और तुम लोगों की मौत का शुरू। सरदार तुम्हारे तीनों दुश्मन भी आ गए उन्हें कब मारोगी? मारूंगी मुच्छड़ हिजड़े को भी मारूंगी तारा भाई को भी मारूंगी ठाकरों को भी मारूंगी और उन तीनों डाकुओं को भी मारूंगी। आखिर उन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो जान लेने पे तुली हो तुम? बताती हूँ बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हो रही थी। ओम इंद्राय स्वाहा ओम सूर्यदेवाय स्वाहा ओम। कितनी सुंदर लग रही है गंगा। गंगा तुम्हारी खुशियों को कहीं डाकू तारा की नजर ना लगे। अरे तुम तीनों हमारे गांव में क्यों आए हो? अरे ठाकुर हम भला तुम्हारे गांव में क्यों आते हैं? हैं? हाँ हमें पता चला है कि तुम्हारे गांव में शादी है और वहाँ जो नई नई दुल्हनियाँ है ना हम उसे उठाने आए हैं। क्या शादी है तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। कैसे? वो ऐसे कि जो मुच्छड़ हिजड़ा डाकू है ना उसकी बेटी है तारा बाई और तारा बाई को दूल्हा उठाने का बहुत शौक है। अगर तारा ने दूल्हे को उठा लिया तो समझ लो कि दुल्हन अपने आप हमारे हत्थे चढ़ जाएगी और मैं ये खबर अभी तारा बाई को भिजवा देता हूँ। क्या? हाँ तारा सरदार गांव में गंगा की शादी हो रही है। मैंने ढिंढोरा पिटवाया था कोई गांव में शादी नहीं करेगा जो दूल्हा बनेगा तारा बाई के हाथों मारा जाएगा। ओम ओंकाराय नमः स्वाहा ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम ओंकाराय नमः स्वाहा। तारा बाई डरा नहीं और दूल्हा बनने की सोच से मरा भी नहीं। बंद कर तेरा जुल्म तारा भाई देखना इस दुल्हन की हाय तुझे खा जाएगी। एक दिन तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जब तक जीती रहूंगी तब तक लाशें गिराती रहूंगी दूल्हों की और आज मैं तेरे दूल्हे को भी उठाकर ले जाऊंगी। नहीं नहीं तारा भाई नहीं 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 नहीं
की नहीं है। आ गई गंगा दुल्हन बनकर आ गई। ले चलो से हवेली में, सुहागरात हम मनाएंगे। ने की है उस तरह वो तुम लोगों की भी हालत कर देगी और मेरी इज्जत भी लूट डाली। अब मुझे सहारा कौन देगा सहारा। मैं तुम्हें सहारा दूंगा गंगा, मेरा नाम है जीवा, आओ मेरे साथ। जो है मेरी नकल, शकल से तो है ये बेअकल, मगर हैरत की बात है ये है मेरी हमशकल। जुगनी, इसका नाम गंगा है, ये बेचारी ताराबाई के जुल्मों की शिकार है। बेचारी? अरे तू इसे बेचारी कह रहा है? मुझे तो लगता है तेरा इसके साथ कुछ टाका बिड़ा है। तुम गलत समझ रही जुगनी। क्या सही क्या दूध क्या दही क्या माटी मिले आज मैं बताती हूँ तुझे। अरे याद कर जब ताराबाई ने तुझे गोली मारी थी वो तो मर रहा था। मुझे माफ कर ताराबाई। नहीं ताराबाई ऐसा मत कर ताराबाई। मैंने डुग्गी पिटवा के मना भी किया था फिर तूने शादी कैसे की? ताराबाई हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो। ई की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। नहीं नहीं ताराबाई हमें मत मारो। आज तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। लूट मेरी इज्जत लूट, जी भर कर लूट, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। अरे दूल्हे कौन है रे तू और तुझे गोली किसने मारी? मेरा नाम जीवा है और मुझे गोली ताराबाई ने गोली मारी। लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, तेरी गोली भी निकालूंगी, तुझे डाकू भी बनाऊंगी और तुझे अपना भी बनाऊंगी। याद आया? अरे तू तो मरते मरते जी उठा था शिवा, मैंने तुझ पर अपना सब कुछ उछावर कर दिया, अब तू मेरी सांस को भी उठा लाया। एहसान मत बनाओ जुगनी, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? इसे अब यहाँ से फूर कर दे। एक जंगल में दो शेरनी नहीं रह सकती, वैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। निकाल दे से। नहीं जुगनी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। इसे मैं डाकू बनाऊंगा और ये गंगा गंगा की सौगंध खाएगी। इसे डाकू बनाएगा और ये गंगा की सौगंध खाएगी। देखती हूँ। और जीवा ने जुगनी की एक भी ना सुनी, मुझे ताकत देकर डाकू गंगा। तब मैंने भी सौगंध ली कि इज्जत के लुटेरों की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दूंगी।
नहीं गंगा, इसे गोली मत मार। इसके गाल पर इतनी जोर से तमाचा मार कि अपना गाल पकड़कर ताराबाई के पास जाए और कहे कि गंगा में इतनी ताकत आ गई है, अब जीवा की बढ़ती हुई ताकत ताराबाई के सर चढ़ती दहशत का विनाश कर डाले। गंगा ने तमाचा मारा? क्या कह रहे हैं? हाँ तारा भाई, गंगा ने मुझे तमाचा मारा। डाकू जीवा ने उसे बंदूक चलाना सिखाया, डाकू बना और अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ताकत जीवा की नहीं ताराबाई की बढ़ेगी, और ये हिजड़े की बेटी ताराबाई हर खतरे से लड़ेगी। एक खुशखबरी है ताराबाई, आज गांव में शादी है। शादी में सोना ही सोना होगा, तुम लोग सोना लूटना, मैं दूल्हे को लूटूंगी। गंगा क्या बात है? गंगा मेरे दहेज का सारा सोना ले लो, मेरे मां के सिंदूर को बचा लो, मेरे सुहाग को ताराबाई से बचा लो। तेरा रोना देखकर मैं सोना भूल गई रे, क्योंकि यही आंसू मेरी आंख से भी बह चुके हैं। मैं गंगा की सौगंध खाती हूँ, तेरे दूल्हे को हर हालत में बचा कर रहूंगी। मुझे तारा भाई से बचा लो। मैं हूँ ताराबाई, मेरा शिकार छीना तो रात में सूरज दिन में तारे दिखाऊंगी, मुझे अपना शिकार बनाऊंगी। अरे देखते हैं कौन किसे शिकार बनाता है और कौन किसे रात में सूरज और दिन में तारा दिखाता है। ये देखा ना तारा, दिखा दिया ना तुझे रात में सूरज और दिन में तारा। गंगा आज तो जा रही हूँ, पर तुझे दिन में तारे जरूर दिखाऊंगी। अरे चल जा। देख जुगनी, यह गंगा जिसने पहली बार सोने को ठुकराकर दूल्हे को बचाया, अब इसके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि इसके डर से कब्रिस्तान के सोए हुए मुर्दे भी खड़े हो जाए। मुर्दों की बात छोड़ जीवा, जिंदों की बात कर। अच्छों की बात छोड़ और गद्दों की बात कर। क्या मतलब? विनायक ठाकुर रंजीत सिंह किसी के सामने कभी नहीं होता, मौत भी आकर उसे खड़ा नहीं कर सकती। वो अपने आप को मौत से भी बड़ा समझता है। अगर इस गंगा में हिम्मत है तो ठाकुर को करके दिखा दे और अपने आप को बड़ा करके दिखा दे। मैं ठाकुर को खड़ा भी करूंगी और खुद को बड़ा भी करके दिखाऊंगी, वो भी इस तरह कि ठाकुर हंसना भूल जाएंगे।
गंगा डाकू आओ, आ गई मचाने कोहरा। ठाकुर, गंगा जहाँ भी जाती है वहाँ कोहरा मच जाता है। लोग डरते हैं, भागते हैं या फिर कांप कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मगर तू मेरे आने पर भी अभी तक बैठा हुआ है। गंगा, ना तो तू मंत्री है ना ही संतरी, इसलिए मैं तेरे आने पर खड़ा होकर तुझे बड़ा बनने का मौका नहीं दे सकता। आने वाला बड़ा नहीं होता ठाकुर, बल्कि जो करता है वो ही बड़ा होता है। तो चल, बड़ा बनना है तो खड़ा हो जाओ। अगर तूने भैंस का दूध कम और माँ का दूध ज्यादा पिया तो मुझे खड़ा करके दिखा, छक्के छूट जाएंगे खड़ा करने में। छक्के छुड़ाने की बात तो तेरे जैसे छक्के कर सकते हैं ठाकुर, अरे गंगा तो चुटकी बजाकर अच्छे अच्छों को खड़ा कर सकती है। ठाकुर, मैंने सुना है तेरी माँ जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब तू उसके पेट में 8 महीने पहले से ही था। गंगा, इतनी बड़ी गाली मेरी माँ को मत दे। देखा, खड़ा हो गया ना। चल अब काम की बात सुन। मैंने सुना है तू इस गांव की लड़की को अगवा कर लिया है और अय्याशी करने के लिए कहीं बंद कर रखा है, क्या ये बात सच है? अय्याशी करना तो हम ठाकुरों का पैदाइशी अधिकार है गंगा। अरे रंगरोट, तेरे मुंह में दांत नहीं और अखरोट खाने चला है। क्या मतलब? सुना है तेरा ना खड़ा होता है न 1 इंच से ज्यादा बड़ा होता है। अरे जब मेरा खड़ा होता है गंगा तो कुतुब मीनार से भी बड़ा होता है। अच्छा, आज के बाद ना तेरा खड़ा होगा और ना ही बड़ा होगा। बाद मेरे डर और दहशत से जागता रहेगा, भागता रहेगा। क्या सोच रही है गंगा? यही कि जब मैं दुल्हन नहीं बनी थी तब दुनिया कितनी हसीन थी, हम दो प्यार करने वाले एक दूसरे को रोक रहे थे। डॉक्टर लेना। बोलो डॉक्टर देना। अरे सुबह से अभी तो कोई मरीज ही नहीं आया। अबे मरीज मेरी गोली खाने जरूर आएगा, वो भी गोली खा के आएगा। डॉक्टर मुझे ये गोली ये देख, मैंने बोला था ना मरीज आएगा। मरीज आ गया। अरे ये तो जय, ये तो शोले वाला जय लगता है। है ना, इसको 1975 में गब्बर सिंह ने गोली मारा और ये 2003 तक जिंदा है। बड़ा बेशर्म है ये। आजा 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 डॉक्टर, मुझे गब्बर सिंह ने गोली मारी है, इसे निकाल दे डॉक्टर। आजा आजा, तू शकर के मंदिर क्यों नहीं गया? तू ठीक है ना डॉक्टर? मुझे गब्बर सिंह ने गोली मारी है। तो मर जाना, इसको निकाल दे डॉक्टर। तू सीधा खड़ा रहे। अरे डॉक्टर साहब, बस सीधा खड़ा होने के लायक नहीं हूँ। मुझे मालूम है तू बड़ा नालायक है। अबे गब्बर की गोली एक बार जिसको लगती है वो तुरंत मर जाता है, तू अब तक जिंदा है? डॉक्टर लेना। क्या लेना? ओ तुम घबराओ मत, तुम्हारी यहाँ कोई नहीं लेगा। एक्चुअल मेरा नाम है डॉक्टर लेना। डॉक्टर देना। क्या देना? अरे कुछ नहीं, हम तो इंजेक्शन की बात कर रहे थे। अरे वो तो मेरा नाम है डॉक्टर देना। और मेरा नाम है डॉक्टर लेना। लेना देना, फीस लेना और देना। डॉक्टर
लेना, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। डॉक्टर देना, मुझे तुम कुछ मत देना। मुझे तो अपने दोस्त वीरू की याद आ रही है। अरे मुझे अपना वीरू समझ, अपना दोस्त समझ, क्योंकि मरने के बाद तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वीरू, हाँ जय, वीरू, जय, वीरू, जय। अबे कब तक वीरू वीरू बोलता रहेगा? जल्दी मरना, अगर तुम मरेंगे तो मैं कब्र से बदला कैसे लूंगा? ठीक है मेरे यार, हाँ। तुम कहता है तो मर जा, मैं मर जाता हूँ। डॉक्टर देना, जरा बाजू हटना, मुझे थोड़ा मरना है भाई। थोड़ा नहीं, पूरा मर, और खड़ा नहीं, लेट के मर। जय, जल्दी पैर रख। जय, जय। मर गया, ये तो सच में मर गया यार। लेकिन हमारी दवाई खाने के बाद लोग मरते हैं, ये पहले कैसे मर गया? जय, जय मेरा भाई, जय कब कब हरामजादा, मैं तेरे खून पे जाऊंगा। कुत्ते कमीने बोल, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पे जाऊंगा गब्बर। डॉक्टर देना, इंजेक्शन निकालो, एक एक को इंजेक्शन दे दे के मारूंगा। चलो, अरे 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 अरे, मेरी बात, मेरी बात, 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 चले गए। हमको उल्लू बनाने चले थे। अरे ठाकुर साहब, ये उधर उधर खुजली क्यों हो रही है? क्या बात है, कहीं पीछे तो खुजली नहीं हो रही है? अरे कल खुजली के लिए कोई मछली पेश कर जल्दी। ठाकुर साहब, तालाब में एक मछली मिली है, छोटी सी मछली है, कहो तो उसे पेश करूं। अरे सोचता क्या है कल्लू कंघी, जल्दी से उस तालाब की मछली को हमारी गली में ले आ, पहले मैं उसको खाऊंगा और अपनी बदन की खुजली को मिटाऊंगा। अरे अभी लाया ना। छोड़ मुझे। कैसे छोड़ दूं, तेरे पे तो मेरी पहले से नजर थी। अगर मुझ पे नजर डाली तो तेरा भाई ठाकुर तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे बोलने के लायक छोड़ूंगा तब ना। क्या? हाँ गंगा, ठाकुर का भाई सुल्तान सिंह एक लड़की साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसकी जबरदस्ती को और उसकी मस्ती को बड़ी सस्ती मौत दूंगी, मारूंगी, चाहे शमशान में मिले या फिर कब्रिस्तान में मिले, मारूंगी जरूर। भागते भागते थक गया हूँ मैं, गंगा से बचने के लिए इस कब्रिस्तान में छुप जाता हूँ। हाँ। भागते भागते थक गया ना? अरे कहाँ तक भागेगा सुल्तान, आखिर पहुँच गया ना मरने के लिए कब्रिस्तान। देख गंगा, देख मुझे माफ कर दे, तुझे इन कब्रिस्तान में सोए मुर्दों की कसम, मुझे माफ कर दे। माफ नहीं, बल्कि मैं तुझे साफ करूंगी, क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना छलक गया है। और सुन ले ये खबर, अलग हो जाएगी तेरी गर्दन, धड़ से कटकर खाक डालूंगी आज मैं यही तेरी खबर। नहीं गंगा ने कब्रिस्तान में मेरे भाई का सर धड़ तलक कर दिया। उसने उस
किसने उसका बुझा दिया? दिया अब जल रहा है मेरा जिया। लेकिन ठाकुर साहब, आप बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? बच्चा? अरे वाह कल्लू, बच्चे के ऊपर मुझे याद आया। एक काम कर, तू किसी दूध पीते बच्चे को उठा ला। लेकिन उस बच्चे का क्या करोगे ठाकुर साहब? कल्लू, वही बच्चा तो गंगा को मेरे जाल में फंसाएगा। अगर तू उस बच्चे की जिंदगी चाहती है तो ये बच्चा मेरे हवाले कर दे। हाँ, दे बच्चा मुझे। क्या ये खबर सच है? हाँ सरदार, ठाकुर ने बच्चे को उठवा लिया है और उसकी माँ को भी मरवा दिया और बच्चा तड़प तड़प कर मरने वाला है। आओ गंगा आओ। हाँ ठाकुर, मैं आ गई। मैं जानता था तू जरूर आएगी, क्योंकि बच्चे को चुप कराने के लिए तेरी छाती जो फटी जा रही है। मगर उससे पहले मेरे आदमी तेरी छाती को फाड़ेंगे, तेरी आंखों में गोली मारेंगे, ताकि तू मरने के बाद तू अंधी हो जाए। अंधी? अरे देखते क्या हो, भून डालो से। ठाकुर, तेरी ये आंखें जब तूने किसी अंधे फकीर से उधार ली है, जरा इन आंखों को फाड़ कर देख। तेरे ये जो आदमी तेरे नहीं मेरे हैं। ये तेरे आदमी है? तुम मेरे आदमी कहाँ गए? वो तो मर गए। मैं तो फंस गया गंगा, मैं तो तेरे जाल में फंस गया। लो ठाकुर, अपनी बेवकूफी पर रो। मैं जाकर उस बच्चे की चीख को संभालती हूँ। बच्चे को तो मैंने चुप करा दिया, मगर तू जिंदगी भर तक रोएगा ठाकुर। एक बात अपनी खोपड़ी में भर ले, पहाड़ों से टकराना, आंधी तूफान से टक्कर लेना, भगवान से भी टक्कर ले लेना, मगर माँ की ममता से कभी टक्कर नहीं लेना, क्योंकि माँ की ममता कभी नहीं हारती। जिस दिन माँ की ममता हार गई, उस दिन लोग माँ की दूध की कसम खाना छोड़ देंगे ठाकुर। ए जुगनी, आज तो गंगा ने एक रोते हुए बच्चे को दूध पिलाकर उसकी जान बचाई है। गंगा, तू पति की प्यार के छन्नी में छनी नहीं, माँ बनी नहीं, तो तेरी छाती में दूध कहाँ से आया रे? जिस तरह बिना माँ बने गंगोत्री से गंगा बहती है ना जुगनी, ठीक उसी तरह ममता की मारी लड़की की छाती से दूध की धारा बहती है। अरे बहेगा, मेरी छाती से भी दूध की धारा बहेगा। अरे ओ जीवा, आहा, बस एक बार मेरे साथ भी इस खटिया पे चरमरा, फिर मैं भी माँ बनूंगी और मेरी छाती से भी दूध बहेगा। जुगनी, तेरे नसीब में जलना लिखा है, तू जलती रहेगी। हा? तेरे दिल में जो आग लगी है वो जलती रहेगी। हा? तुझे मैं इस खटिया पे मड़ोड़ के ही रहूंगी जीवा। देखा, मैंने छक्के छुड़ा दिए। अरे कमाल कर दिया मैंने डाकू। अरे मैंने क्या कमाल किया, मानो असली बंदूक की गोली की जगह अपनी जुलाब की गोली गब्बर को दे दी। गब्बर सिंह जुलाब कर करके लब्बा हो गया। डॉक्टर लेना, ये जय कहाँ चला गया? ओहो, ये जय कहाँ चला गया? अच्छा मुर्दे भी चलते क्या? मुर्दा? अरे मुर्दे की बात मत कर, मुर्दे की बात सुनकर मुझे डर लगता है। डर? अरे ये तुझे क्या हो गया? ना, अरे चारू ने डर में इतना डराया कि मैं आज तक डर रहा हूँ। कहाँ गया? डॉक्टर,
तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। अरे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जनाब तनिक जरा मैं करके खोलेंगे, हमारी तारीफ ज़रा लंबी है, बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ अल्लाह रखा है अपने साथ, बाजू पे सातों छाछी का बिल्ला, बीड़ी पीता हूँ, 30 नंबर के काम करता हूँ कुली का, और नाम आए आए इकबाल। सोच लो प्यारे, हम गरीब लोग सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, कई बोझ बन के तुम्हारे कंधे बैठ गए, सीधा समझो को जाओ प्यारे, समझे क्या समझे, अबे आता आता है आता है। अबे तू जय जैसा लग रहा है, लेकिन है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहशाह। ये शहशाह खुश तो बहुत होगी तुम। अबे तो क्या लॉटरी निकल आई है क्या मेरे, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना सर नहीं चुकाया। अबे तो खुद झुक जा। जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाया। अबे तो हाथ झुका ले तू, वो आज तुम्हारे सामने अपना हाथ फैलाए खड़ा है। अबे इसको चिल्लर पैसा दे। अबे छुट्टी नहीं है। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां खिसक गई, वो औरत जो जिंदगी भर चलते लेकिन तुम्हारे मंदिर के देव चलाते रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के दरवाजे पे खड़ी है, तू बेटा तमाशा देख रहा है। कौन सा कसूर, कौन सा पाप, कौन सा गुना की सजा दे रहा है उसको? क्या उसका गुना ये है कि ये दोनों डॉक्टर हैं? क्या उसका कसूर ये है कि मैं उसका बेटा हूं? मेरे गुनाह की सजा मेरी मेरी माँ को मत दो। डॉक्टर साहब, पेश भाई कब्बर सिंह की गोली का दर्द अब तो निकाल दो यार। निकाल दूंगा तेरी गोली, निकाल दूंगा, जरूर निकाल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इंजेक्शन दे रहा हूँ। इंजेक्शन तो नहीं है, गोलियां। गोलियां? फिर मुझे गब्बर सिंह के पास जाना होगा। तू आराम कर और हम आप भी आते चल। अबे इन लोगों को मालूम नहीं है जिनके बाजू पर 786 का बिल्ला होता है उन्हें कुछ नहीं होता, समझ गए? अरे ओ सरदार, कभी तुमने किसी से प्यार किया है? अरे नहीं रे, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ कमीने दूल्हों से, उन कमीनों को मैं मार डालती हूँ। दूल्हों को उठाती हो, इसकी कोई खास वजह सरदार? बात उस रात की है, आज तो हमारी शादी की रात है, ये तो मुझे कहाँ ले आए, ये तो डाकुओं का अड्डा लगता है। आज सुहाग रात मैं नहीं, ये लोग मनाएंगे तारा। ये लोग कौन है? पता चल जाएगा। तूने तूने मुझे धोखा दिया। नहीं, छोड़ दो मुझे, से मैं कमीने दूल्हों से नफरत करती हूँ और जो दूल्हा बनता है मैं उसे मार डालती हूँ। गंगा, हम तीनों यहाँ तो गए और हमें ये भी पता है कि गंगा ने हमें मारने की सौगंध खाई है, लेकिन अब मसला ये है कि गंगा को अपने रास्ते से हटाया कैसे जाए। इसका एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? हम गंगा के गिरोह में शामिल होकर उसे मार डालेंगे। उसके गिरोह में हम ऐसा आदमी ढूंढेंगे जो कि गद्दार हो, जो हमसे पैसे लेकर गंगा की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जरूर कोई न कोई गद्दार मिलेगा। ए जंगा पंगा तंगा, तुम लोग गंगा के दुश्मन हो तो मेरे भी दुश्मन हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ना तेरी बोली में दम है और ना तेरी गोली में दम है। बड़ा गंगा का वफादार बना फिरता है, वफादारी तो सबसे बड़ी बीमारी है, गद्दारी में ही समझदारी है। तू मुझे माल दो तो गंगा को मार दूंगा, गंगा मुझे माल देगी तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। अबे अकल को घुटने में लेके घूमने वाले ऊंट, सुन, हम तेरा दामन दौलत से भर देंगे। लंगा बस तू इतना कर, गंगा को जाकर कह दे कि मैंने तुझे गोली मारी है, फिर जब हमें मारने आएगी हम तीनों उसे मार डालेंगे। गंगा मेरी बात पर कैसे यकीन करेगी, मुझे तो गोली लगी ही नहीं है।
अब लग गई ना गोली। अब मुझे गोली लगी है। जा गंगा का नाम लेके चिल्ला गंगा 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 गंगा। अरे गंगा गंगा क्या चिल्ला रहा है? अगर गंगा आ गई ना तुझे गंगा जल पिला देगी और तू मर जाएगा। अरे गंगा को जल्दी बुलाओ, मुझे गोली लगी है। मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा गंगा। मुझे बचा लो गंगा। अरे ओ मलंगा, मरने से पहले गंगा की नाम की रट मत लगा। पहले ये बता, तुझे गोली किसने मारी? मुझे तुम्हारे दुश्मन जंगा सिंह ने गोली मारी है। मेरे टांग में गोली लगी है, मेरा इलाज करा गंगा। मैं तेरे साथ डाका डालना चाहता हूँ। डाका? अरे मलंगा, डाकुओं के भाग में तो भागना होता है। घोड़ा चार पैरों पर भागता है, आदमी दो पैरों पर, और तू तो एक पैर पर फुदकने वाला मुर्गा बन गया है जो कटने के बाद पतीले में पकता है। क्या मतलब? मतलब यही कि तेरे जैसा लंगड़ा घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं। हमारे वफादार साथी मलंगा को क्यों मारा? वो वफादार नहीं, बददार था। अपनी मुट्ठी में मेरी मौत छुपाकर लाने वाला मक्कार था। क्या सबूत है तेरे पास? बिन बाप के पूत को हरामी कहने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है जुगनी। मैं आंखों में झांक कर दिल की बात सुन लेती हूँ, जो मुंह से नहीं निकलती वो आवाज सुन लेती हूँ। राग और आवाज की ठेकेदारनी डाकों के जगत में जन्म लिए जुमा जुमा आठ दिन नहीं हुए, खुद को श्यानी समझती है, जुगनी को आंखें दिखाती है। आंखें क्या, मैं तो तुझे मौत का रास्ता भी दिखा सकती हूँ। जिस दिन मुझे शक हो गया कि तूने मक्कारी की है, मैं तुझे मलंगा की तरह गोली मार दूंगी, समझी? जीवा ने तुझे बहुत सर चढ़ी बना रखा है, लेकिन मैं भी तुझे सर से नीचे उतारूंगी और उस तरह मारूंगी जिस तरह से पैर के अंगूठे से खटमल को मारा जाता है। खटमल खटिया में रहता है और गंगा पहाड़ों से बहती है। जो मुझे मौत की धमकी देता है ना जुगनी, गंगा उसकी जान ले लेती है। रोक जाओ गंगा, ये क्या कर रही है गंगा? इस तरह एक दूसरे को मारकर हम खुद को कमजोर कर लेंगे, इस तरह तो दुश्मनों को हमें मारने में देने लगेगी। ठीक है जीवा, आज मैं तुम्हारी वजह से इस जुगनी को छोड़ देती हूँ, लेकिन जिस दिन इसने गद्दारी की ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शिट, टकला डाकू जेल से भाग गया, कब तक कानून से खेलता रहेगा? आएगा मजा, अब शुरू होगा नया खेल, क्योंकि जेलर ने जेल में मेरा निकाला है भर भर के तेल, और तेल के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि मेरे टकले पे बाल आ जाए और उस सुखड़ी गंगा से मैं बदला ले सकूं। गंगा की ये बजाल कि उसने जीवा के सामने मुझे मारने की धमकी दी और जीवा चुपचाप सुनता रहा। जुगनी, गंगा और जीवा दोनों एक हो गए और तुम अकेली रह गई हो। हाँ, अकेली तो मैं पड़ गई हूँ। जुगनी, अगर तुम्हें साथी चाहिए तो साथी मिलेगा। कौन? टकला डाकू जो जेल से भागकर आया है। अरे हाँ, टकला डाकू तो गंगा का दुश्मन है और गंगा मेरी दुश्मन है। दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। गंगा कहाँ है? गंगा रोशन सेठ के कोठी पर डाका डालने गई है। मैंने तोड़ ली, चल जा, उसमें से सारा माल निकाल कर ला। ठीक है सरदार। सरदार, इसके अंदर कम से कम 50 लाख रुपए के हीरे जवाहरात भरे हैं, 50 लाख के। क्या 50 लाख के जेवर? वाह, जीवा को जब पता चलेगा कि गंगा ने 50 लाख का ढाका डाला है तो वो बहुत खुश होगा। देख जीवा, मैं रोशन सेठ की तिजोरी तोड़कर 50 लाख का जेवर लाई हूँ। सुना है रोशन सेठ टकला डाकू का खास आदमी? तो क्या हुआ,
तो होगा ये कि रोशन सेठ टकला डाकू से मदद मांगने जरूर जाएगा। लेकिन टकला डाकू तो जेल में है। नहीं, टकला डाकू जेल से भाग चुका है और रोशन सेठ उसको मिलने की कोशिश जरूर करेगा। और टकला डाकू को इस डकैती के बारे में पता चलेगा तो तुझे मारने के लिए कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगा। उसके खेलने से पहले मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि टकला डाकू अपने सर पर चमेली का तेल लगाएगा और चिल्ला कर बोलेगा, आ गया, बहुत मजा आ गया। टकला डाकू, मेरा मतलब है डाकू टकला भाई, आपके टकले पे बाल उगा, इसके लिए मैं आपको 5 पेटी दे सकता हूँ। 5 पेटी के लिए मुझे किसकी सीटी बजानी पड़ेगी? गंगा की। गंगा की? हाँ, उस ससुरी ने मेरे घर के अंदर घुस के मेरी तिजोरी से 50 लाख के जेवर और कैश लेके रफू चक्कर हो गई। गंगा से तो मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। आज अपने हिसाब के साथ साथ तुम्हारा भी हिसाब चुका कर देता हूँ। आओ गंगा को देखो। हाँ चलो। अरे तू क्या गंगा को देखेगा? गंगा खुद तुझे देखने आई है और देख रही है। जेल में पुलिस ने तुझे डंडे मार मार कर सारा तेल निकाल दिया। मेरे इलाके में खड़ी कर दूंगा पूरा नंगा। टकले डाकू से पंगा लेगी तो पहुंचा दूंगा बरेली या दरभंगा। दरभंगा मचाने से पहले मैं मचा दूंगी दंगा और तेरे रास्ते का बन जाऊंगी अड़ंगा। शराफत से इसके जेवर वापस कर दे। जेवर? कौन से जेवर? अरे वही जेवर जो तूने इसकी तिजोरी से चुराए हैं। मैं चोर नहीं, डाकू हूँ। कपड़े कुतरने वाली चुहिया नहीं, गर्दन काटने वाली चाकू हूँ। गंगा, प्यार से समझौता कर ले। टकले, चल कोपचे में चल। कोपचे में? सेठ ने कितना देने का वादा किया है? पूरे 5 लाख। 5 लाख? चल मैं तुझे 10 देती हूँ। 10? हाँ। सौदा पक्का है ना? अरे बिल्कुल पक्का। ये शरीफ लड़की, तुमको तुम्हारी बहन नहीं लगती? अरे कोई डाकू लड़की मेरी बहन कैसे हो सकती है? डाकू वाला बोल। तूने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया? तुझे मैं चोर दिखती हूँ? अरे अरे भाई भाई, आपको इससे कोई पट्टी पढ़ाई है क्या? पट्टी पढ़ाई है? अब इतना मार मारूंगी कि थोपड़े पे सब पट्टियां ही नजर आएगी। चल उसे माफी मांग, नहीं तो। भैया 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 भैया, मैंने इसके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। मेरे पास तो जेवर थे ही नहीं, और जेवर है नहीं तो मेरे पास तिजोरी आएगी कहाँ से? जब तिजोरी नहीं आएगी तो जेवर रखूंगा कहाँ से? जेवर नहीं थे भाई, मुझे माफ कर दे डाकू भैया। डाकू भैया? हाँ डाकू भाई, माफी से। डाकू बहना, मुझे मुझे माफ कर दे। हाँ जाओगे? मैं जाता हूँ। चल 10 लाख रुपया निकाल। कौन से 10 लाख? 10 लाख नहीं, 10 लाख रुपया। टकले ये ले तेरे 10 लाख। 10 पैसे? ये तो आज कोई भिखारी भी नहीं लेता। अरे तेरी औकात तो 10 पैसे की भी नहीं। ए गंगा, मुझसे पंगा मत ले। दौलत के भिखारी अपना ईमान बदलने वाले? आगे बढ़ेगा ना तो गोली यहाँ से मारूंगी तो निकलेगी पिछवाड़े से। चल खड़ा रहे। ठीक है गंगा, जब तक मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा ये 10 पैसे मैं अपने पास ही रखूंगा। अरे तू क्यों नहीं हंस रहा है? तेरी कोई माँ मर गई है क्या? ठाकुर साहब हंसूंगा कैसे, 2 रोज से बड़का भैया दिख नहीं रहा है। आपको तो कुछ मालूम होगा कि मेरा भाई पंगा सिंह गया कहाँ। दंगा, ये पंगा किधर गया? ठाकुर अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, लगता है तुम्हारी माशूका के पीछे भाग रहा होगा, ताक जांग कर रहा होगा। तब तो गंगा उसके बालू खाड़ू खाड़ कर मारेगी। भागने दो, ताक झांक करने दो। क्या वो कमीना भगवान के पास पना मांग रहे? नहीं मिलेगी, भगवान के पास भी उसे पना नहीं मिलेगी।
भगवान मुझे गंगा से बचा लो भगवान, मुझे उसकी आवाज में अपनी मौत सुनाई दे रही भगवान। मेरा नाम पंगा जरूर है लेकिन मैं उससे कभी पंगा नहीं लूंगा भगवान, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। जिंदगी भर बन के जिया शैतान, अब मौत सामने आ गई तो याद आ गया भगवान। गंगा मैं दूर चला जाऊंगा। तू दूर नहीं जा सकता क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैंने गंगा की सौगंध खाई है कि तुझे हर हाल में मार के ही रहूंगी। जिस तरह पानी में नाव डूबने से पहले है डोलती, उसी तरह मरने से पहले बंद कर दूंगी मैं तेरी बोलती। देखो और सुनो, जिस किसी ने भी मेरे दुश्मनों को गांव में और अपने घरों में पना दी, उनके घरों से आग का तूफान उठेगा। यही मेरी गंगा की सौगंध है। तुमने कुछ सुना? अरे क्या, गंगा ने पंगा को जान से मार डाला है? हाँ सुना। हाँ। और गंगा ने गांव वालों को ये भी चेतावनी दी है कि हम लोगों को जो भी पना देगा गंगा उसके मुंह से मौत की आह निकालेगी। ताकि दुश्मन खाए खुरचन और तुम खाओ मलाई। क्या मतलब? मतलब ये कि गंगा की असली ताकत है जीवा। जीवा को ये खबर पहुंचा दो कि ताराबाई गांव आ रही है। क्या खबर है जुगने? खबर ये है, आज रात के डाकू ताराबाई छोटी पुलिया से गुजरने वाली है। गोंडा हो या बलिया या फिर हो छोटी पुलिया, आज ताराबाई आसमान का टूटा हुआ तारा बनेगी। जो मौत को किया जाता है वो इशारा बनेगी। अरे इशारे और नजारे की बात छोड़, मेरे साथ चल और ताराबाई की गर्दन मरोड़। तू नहीं जाएगी, कल अकेले ताराबाई ने नाक मेरी काटी थी, आज अकेले ताराबाई की नाक मैं काटूंगा। जीवा कहाँ है? बताता क्यों नहीं है कि जीवा कहाँ है? अरे ओ गंगा, कि जीवा जीवा कहकर जिगनी कच्ची जला रही है। अरे तू अपने जी की जलन को अपने पास रख, पहले ये बता जीवा कहाँ है? क्यों, जीवा को देखने के लिए छाती फटी जा रही है क्या? जैसे तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है ना, वैसे ही मुसीबत आने से पहले मुसीबत गंगा को दिख जाती है। मुझे तो लगता है जीवा किसी चालबाज की जाल में फंस गया है। गंगा गंगा गंगा, एक बुरी खबर है, जीवा दुश्मनों के जाल में फंस गया है। देखा जुगनी, अब तो यहाँ बैठी बैठी जल, मैं चली जीवा को बचाने। अरे ओ मान सिंह की पोती रुक, मैं कोई दिए की ज्योति हूँ जो यहाँ बैठी बैठी जलूं? मैं भी जीवा को बचाने आऊंगी। अरे चलना है जल या चलना है चल। टकला डाको, ताराबाई को चारा बनाकर तूने मुझे पकड़ तो लिया है, लेकिन जब गंगा सैलाब बनकर आएगी, जब उसको यह पता चलेगा कि तूने मुझे कैद कर लिया है। अभी तो सिर्फ कैद किया है, मैं तुझे ना कैद करूंगा। तू तो बड़ी छोटी चीज है, मैं तो आसमान में भी छेद कर दूंगा। इंतजार तो सिर्फ उन दो बिल्लियों का है जिनका तो सबसे प्यारा बिल्ला है।
उनके दिलों में धसा हुआ प्यार का किला है। वो किला नहीं, तेरा पूरा अंजाम है, मौत को बांटने वाला कोहराम है। आ गए हम कोहराम मचाने आ गए। और जालिमों को राम का नाम याद दिलाने आ गए। बिल्ले बहुत म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। हाँ, इसमें जितनी गोलियां थी वो सब खत्म हो गई। तमाशा खत्म, गेम खत्म। चल चल चल, अब चलते हैं यहाँ से। आजा आजा। क्यों, राम का नाम उसे समझाने आई थी जिसका काम ही है राम राम जपना, पराया माल अपना। देखो तुम दोनों डुप्लीकेट, जीवा का माल और मैं जीवा की खाल का दुश्मन। अगर तुम दोनों जीवा को बचाना चाहती हो तो बताओ, उसको बचाने के लिए तुम कौन सा खेल खेल सकती हो? मैं जीवा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जान? मैं भी जीवा के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मुझे जान नहीं, मुझे और कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुझे? अगर तुम्हें जीवा की जान बचानी है तो तुम दोनों में से कोई भी एक एक रात के लिए मेरी जान बन जा। यानी कि मुझे तुम में से एक ही इज्जत चाहिए। इज्जत? अरे नहीं नहीं, मैं जीवा के लिए अपनी इज्जत क्यों दूँ? नहीं तो फिर तेरा क्या इरादा है गंगा? जीवा को मार दूँ? नहीं, मेरा जीवा जिंदा रहेगा। मैं जीवा के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इसको कहते हैं मोहब्बत। नहीं गंगा, मेरी जान बचाने के लिए अपनी इज्जत मत लुटाना, मत लुटाना अपनी इज्जत। बस जिंदा बच जाए मेरा प्यार। लुटी हुई इज्जत एक बार लुटे या 100 बार। ऐसा मत करना गंगा, वरना जीते जी मर जाओगी तुम। मरी हुई तो हूँ, मरने के बाद मुर्दा जलता है या कब्र में दफन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीवा। अब देख जीवा, तेरी आंखों के सामने मैं इसकी इज्जत लूटता हूँ। अरे गंगा और जीवा कहाँ चले गए? अरे जीवा, हम लोग तो बचकर आ गए, लेकिन जुगनी कहाँ है? जुगनी तुमसे नफरत करती है, फिर तुम्हें उसकी फिक्र क्यों है? फिक्र इसलिए है कि जुगनी ने तुम्हारी जान बचाई। अगर तुम जिंदा नहीं होते तो मुझे कैसे मिलते? तुम्हारी जिंदगी मुझ पर जुगनी का एहसान है। एहसान तो तुम्हारा है मेरे ऊपर। तुमने अपनी इज्जत दांव पे लगाकर मेरी जान बचाने की कोशिश की। जुगनी, कल तक तो तुम मेरे घरों में थी, आज मेरे दिल में। दिल में? हाँ दिल में। जुगनी, मैं तुमसे बहुत जीवा, ये तो क्या कह रहा है? तू इस गंगा से प्यार करता है? हाँ जुगनी, मैं गंगा से प्यार करता हूँ। जिस दिन गंगा आई थी ना, उसी दिन मेरी आँख फड़की थी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। आज तूने कह दिया कि तू इस गंगा से प्यार करता है। प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है, और गंगा ने मुझे बचाने के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी दी। जुगनी, प्यार में सब कुछ यार का होता है। क्या जिंदगी, क्या जिस्म, क्या इज्जत। अरे जब यार ही नहीं रहेगा तो इज्जत क्या चाटने के काम आएगी? ठीक है, रह गई ये जुगनी। अब जुगनी दिखाएगी कि जुगनी के प्यार में कितनी जलन है। जीवा, रोको इसे। जाने दो इसे, करने दो इसे अरमान पूरे। मेरे होते हुए मैं जुगनी का कोई अरमान पूरा नहीं होने दूंगी। वो शोला बनेगी तो आंधी बनकर उसे बुझा दूंगी। वो आंधी बनेगी
तो तूफान बनकर मिटा दूंगी। रुक जा गंगा, कहाँ जा रही है? जबकि तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, झुकनी। तूने मेरे जीवा को मुझसे छीन लिया, आज मैं तुझे इस तरह से मिटाऊंगी जिस तरह से रात होते ही सूरज का वजूद आसमान से मिट जाता है। मिटते हैं जलने वाले, सूरज भी जलता है झुकने, और तू भी जलन की मारी है। और जलन की ये बीमारी बड़ी जालिम है रे, जान लेकर ही छोड़ती है। मैं भी बड़ी जालिम हूँ रे, मुझे तू अपना बालम लौटा दे, नहीं तो मौत का ऐसा खतरनाक खेल खेलूंगी कि तू कांप कांप के मरेगी, अपना कफन नाप नाप के मरेगी, और जीवा भी जिंदा नहीं रहेगा। अरे जुगनी, गंगा जीवा का प्यार सारी दुनिया से बुलंद है, अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी, बस यही मेरी गंगा की सौगंध है। ये जुगनी, तू अपने जुगनू, अपने मजनू, अपने जीवा को छोड़कर मेरे पास कैसे चली आई? जीवा मेरा मजनू नहीं, वो गंगा उसकी लैला है, और गंगा ने मेरे जीवा को मुझसे छीन लिया। छीना छानी, लपटा लपटी, ये तो बरसों पुराना खेल है छमिया। कोई नई बात बोल। बात ये है कि जो पहले फूल बनकर महकती थी, अब वो इंतकाम की आग में दहक रही है। टकला डाकू, मैं उन दोनों की सिर्फ मौत चाहती हूँ। तू उन दोनों को मौत दे दे, बदले में तू जो चाहेगा दे दूंगी। तेरे पास है क्या जुगनी? ना हाथ ना हथौड़ा, ना बंदूक ना घोड़ा, तू उस खाली तिजोरी की तरह है जिसे चोर भी हाथ लगाने से कतराता है। अरे टकला डाकू, मेरे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। कौन सा खजाना जुगनी? वो खजाना मेरी इज्जत है। उस दिन तो जीवा को बचाने के लिए तूने अपनी इज्जत नहीं लुटाई थी? मैं तब भी चाहती थी कि जीवा मर जाए, क्योंकि वो गंगा से प्यार करता था, और मैं आज भी चाहती हूँ कि जीवा मर जाए, क्योंकि वो अब भी गंगा से प्यार करता है। वक्त बदल गया है टकला डाकू, मगर मेरा मकसद नहीं बदला। और मेरा भी एक ही मकसद है, जब कोई लड़की मेरे पास आती है तो मैं उसको अंगूर समझता हूँ, और मजे ले लेकर उसमें सुई चबाता हूँ। फिर ठीक है, मैं तेरे लिए वो अंगूर का ताना भी बनने के लिए तैयार हूँ। और वो मुझे दे सके? अबे भगवान पे भरोसा रख, अपने कटोरे को शांत रख, कोई ना कोई आएगा, दो दे जाएगा और ले जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा इलाज करो ना। और आ गया मरीज? हाय, अच्छा तुम्हें क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब, मेरी छाती से दूध नहीं आता। आएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा? अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ। बच्ची हो? जब तक बच्ची माँ नहीं बन जाती, उसकी छाती में दूध कैसे आएगा? तो फिर मुझे माँ बना दो ना। माँ बनाओ? जरूर माँ बनाएंगे, उसके लिए तुम्हें लेटना होगा और इंजेक्शन लेना होगा। असिस्टेंट, ध्यान रखो, शाबाश। डॉक्टर देना, आपको मालूम है मेरा नाम डॉक्टर लेना है, अब मुझे इसकी है अभय लेना, तुम जल्दी से निकल लो। तो तुम कह रही थी कि मेरी छाती में दूध नहीं होता, मुझे तुम्हारी छाती देखनी होगी, बड़ी कमाल की छाती है तुम्हारी, यही मुझे भाती है। देखिए, तुम्हारी छाती तो बहुत अच्छी है, माँ बनने के लायक हो, लेकिन माँ बनने के लिए मुझे तुम्हारी लेना होगा, क्योंकि तुम जानती हो मेरा नाम है डॉक्टर लेना। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इस
उसने मेरी ले ली। ले ली? अरे लेना, ऐसी कैसी ली जो रो रही है? अबे डॉक्टर देना, तू देना का देना ही रहेगा। ये रो नहीं रही है मेरे बच्चे, ये खुशी की आंसू है क्योंकि ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर मैं माँ बनूंगी ना? बिल्कुल माँ बनूंगी, लेकिन बच्चों की नहीं, शैतान की माँ बनूंगी। अगर मैं शैतान की माँ बनूंगी तो मेरा बेटा शैतान बनकर तुमसे बदला लेने जरूर आएगा। मेरे पास बदला लेने आएगा? अरे यार डॉक्टर देना, मैंने उसको मजाक से बोला कि तू शैतान की माँ बनेगी, तो बोलती शैतान तेरे से बदला लेने आएगा। शैतान रे! अरे हम बनना नहीं चाहते। मैं तुम्हें मारने नहीं, अपना इलाज कराने आया हूँ। इलाज कराने? तुझे क्या हो गया रे? मुझे बहुत भयानक बीमारी हो गई है। बीमारी हो गई? अबे बीमारी तो इंसानों को होती है, ये भूतों कब से बीमारी होने लगी? लेकिन तुझे क्या बीमारी है? मुझे एड्स हो गया है। एड्स? अरे कमाल की बात करते भूत भाई, एड्स तो इंसानों को होता है, ये शैतानों कब से एड्स होने लगा रे? लेकिन इतनी खतरनाक बीमारी तुम्हें हुई कैसे भूत भाई? तुम तो कब्रिस्तान के बादशाह हो, तुम तो कब्र में लेटे हुए होते हो। कुछ दिन पहले मेरे बाजू की कब्र में एक धंधे वाली आई थी, मैंने उसकी चुम्मा चाटी करके उसकी ले ली, मुझे एड्स हो गया। हाँ, तो भाई अगर तुम उल्टे सीधे काम करोगे तो तुम्हें एड्स तो हो गई। वो धंधे वाली थी तुम्हें नहीं मालूम था, और तुम उसके तो एड्स तो हो गई ना। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार ने इतनी जगह अस्पताल खोल के रखे हैं, जब भी उल्टी सुलटी हरकत करने का मूड हो तो सबसे पहले निरोध इस्तेमाल करना चाहिए। तुमने निरोध इस्तेमाल नहीं किया, अब तुमने निरोध इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हें एड्स तो हो गई। इसका इलाज हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वैसे हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, इलाज तो मिलेगा मगर भूतों के लिए बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तुम मेरा इलाज नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं अपनी बीमारी तुमको दे। अरे बाप रे, क्या कह रहा है, इसका काम है देना, इसको दे 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 भागो। लेना तो पड़ेगा मिस्टर देना। तेरी बीमारी मुझे लगी, सो जाएगा। ले, अबे क्या कर रहा है, अबे आजा, अबे छोड़, अबे एड्स हो गया। सरदार सरदार, ताराबाई गंगा के पानी में रगड़ रगड़ के नहा रही है, इससे गंगा मैली हो रही है। इससे पहले कि तारा अपने गंदे बदन से गंगा को और मैली करे, मैं उसे पानी से निकाल कर लहरों की तलाह उछाल उछाल कर मारूंगी। चल बाहर निकल, देख आज मैं तेरा कैसा पानी निकालती हूँ। इससे पहले कि तू मेरा निकाले पानी, तेरी निकालूंगी जवानी। दंगा क्या? नंगा? हाँ, गंगा ने ताराबाई को गंगा घाट पर पानी पिला पिला कर मारा, लेकिन ताराबाई भी बड़ी सख्त जान निकली, साली बचकर निकल गई। टकला तारा को छोड़, पहले मुझे ये बता, मेरा वो लंबी मूंछों वाला भैंसा जंगा कहाँ गया? जंगा ना तेरा है ना मेरा है। वो बीन बजाने वाला साला सपेरा है, अभी भी कहीं पे बीन बजाकर किसी सपने को अपने बस में कर रहा होगा।
ओ जंगल की नागिन, आ मैं अपनी पीठ बजाकर तुझे अपने पास ले कर लूं। बचाओ! गंगा ने तो सौगंध खाई थी तीनों भाइयों को मारने की, पंगा को तो मार दिया, अब मैं कैसे बचूं? भाग रहे जंगल! के बिल में हाथ डाला था ना, लेकिन मैं हूँ अजगर, चबा डालूंगी तेरा जिगर। पंगा ने की नागिन के साथ लप्पा झप्पी और गंगा ने दी पंगा को मौत की पप्पे। बेचारा जंगा भी मारा गया, माँ की कोख से आने वाला मौत की कोख में उतारा गया। ए जुगने, सोच क्या रही है? सोच रही हूँ, तेरे पास में गंगा और जीवा की मौत मांगने आई थी, मगर वो दोनों अभी तक जिंदा है। जुगने, शायद तूने चलाकी का कायदा नहीं पढ़ा, वरना तू अपने शक्ल का फायदा जरूर उठा लेती। अरे सोच क्या रही है, तेरी शक्ल गंगा से बिल्कुल मिलती जुलती है। वो क्या बोलते हैं फिल्मों के अंदर, डबल रोल। तू गंगा बनकर जीवा के पास जा, उसे अपना निशाना बना और उसके पास आधार बन जा। हाँ, मैं अपनी शक्ल का पूरा फायदा उठाऊंगी। गिरो का सरदार बनने के लिए मेरा पहला निशाना जीवा को बनाऊंगी। मैं हूँ जुगनी, गंगा बनकर तुम्हें यहाँ आ गई, यहाँ मुझे कोई पहचान नहीं सकता। अब मेरा मकसद पूरा होगा जीवा। अरे गंगा, पीछे क्यों घूम रही हो? कोई खास खबर है क्या? हाँ खबर है ना, वो भी जहर भरी खबर। तो पर सुनाओ खबर। खबर ये है कि हमारे दुश्मन हम लोगों की खबर लेना चाहते हैं। इससे पहले कि वो हमारी खबर ले, हम उनकी खबर ले लेते हैं। चले चलो। सरजू, जीवा कहाँ है? जीवा? गंगा, तुम तो अभी भी उसको अपने साथ लेके गई। अच्छा, तो जुगनी ने मेरे हमशक्ल होने का पूरा फायदा उठाया है। अब मैं उसे ऐसा कायदा सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ। अरे डाकू जुगनी, तुम? आज मैं यहाँ डाकू बनके नहीं बल्कि कानून की मदद करने आई हूँ। कानून की मदद? वो कैसे? वो ऐसे कि मैं डाकू गंगा और जीवा को पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तुम डाकू जीवा और गंगा को पुलिस के हवाले कर दो तो मैं तुम्हें माफी दिलाने की कोशिश करूंगा। तो फिर ठीक है, आज रात के डाकू जीवा कानून की हिरासत में होगा। पुलिस? यानी कि जीवा के साथ धोखा? ये देखो दरोगा, तुम्हारा मुजरिम डाकू जीवा आ गया। जुगनी, तू पुलिस लेकर आई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि तूने मेरे साथ गद्दारी की। तूने भी मुझसे कौन सी वफादारी की जीवा? गंगा के सामने मुझे जलील किया, मेरे प्यार को ठुकराया। दरोगा, इसे नहीं छोड़ना। तुम जाओ जुगनी, हम इसे देख लेंगे। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। नहीं जीवा। जीवा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, अब तुम बच नहीं पाओगे। जुगनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने
अपने सरदार बनने के चक्कर में मेरे जीवा को गिरफ्तार करवा दिया। मैं तुझे सरदार नहीं बनने दूंगी। जुगनी आज तुम सरदार बन गई। लेकिन जुगनी, हमारा सरदार जीवा कहाँ है? जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया और गंगा पुलिस की मुठभेड़ में मारी गई। आज से तुम लोगों की सरदार जुगनी है। जुगनी, सरदार नहीं गद्दार है। तूने जीवा के साथ धोखा किया है। याद कर, मैंने कहा था ना, जो गद्दारी करता है गंगा उसे नहीं छोड़ती। तूने भी गद्दारी की है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जुगनी जुगनू के तरह रात के अंधेरे में टिमटिमाती नहीं है गंगा। तूने अपने दुश्मनों को गंगा का पानी पिला पिला कर मारा है। आज मैं तुझे आग में जला जला कर मारूंगी। अब तू कैसे बचेगी गद्दार? नहीं, नहीं। तूने गद्दारी की है ना? नहीं गंगा, मुझे मत मार। नहीं, जुगनी, तुझे गद्दारी करने में आया होगा ना बहुत मजा। नहीं, नहीं। अब झेल गद्दारी की सजा। मर गई? हाँ टकला डाकू, ये खबर सच्ची है। अरे रे रे रे, अब ये टकला डाकू बिना फूकने के प्यार का चूल्हा कैसे फूकेगा? तू फिकर मत कर मेरे यार, जिस तरह कल्लू दल्ला मेरे लिए तालाब से मछलियां पकड़ कर लाता है ना, उसी तरह तेरे लिए भी वो तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएगा और तू उसका प्रसाद चढ़ाते रहना। कौन कल्लू दल्ला? क्या गंगा ने आज मुझे डुबो के मारने की सौगंध खाई है? हाँ सरदार, कसम है गंगा मैया की, मैं उसका पहाड़ों में सीना फाड़ कर मारूंगा। गंगा, गंगा, गंगा। गंगा, आज तक तू मर्दों से नहीं हिजड़ों से टकराई है और आज मर्द से टकराएगी। देख मर्द का सीना, जिसे देखकर तेरा सर से पांव तक बहेगा पसीना। अरे कमीना, सीना तो औरत का होता है। देख ये सीना देख, इसी से बच्चा मुंह लगाकर दूध पीता है और मर्द बनता है। अरे हाँ, शायद मैं माँ का दूध पीना बचपन में भूल गया था। आज मैं उस भूल को सुधारूंगा। पहले मर्द बनकर तेरी छाती को मुंह लगाऊंगा, फिर तुझे मारूंगा। मुझे माँ बनाकर मारने वाले, आज तेरी माँ की आत्मा बात रोएगी जब गंगा तेरे खुद से अपना मुंह धोएगी। सीना दिखाने वाले पीठ दिखा के भाग।
भाग रहे? नहीं गंगा, मुझे मत मार, छोड़ दो मुझे। गंगा मर्द मार है, मर्द मार। आज मैं तुझे मौत के पानी में उतार कर मारूंगी, कश्ती में कुश्ती लड़ूंगी और तेरा सीना फाड़ूंगी। नहीं, देखती हूँ कहाँ तक भागता है। मिलेगी जिससे मेरी जिंदगी बन जाएगी। गंगा, मछली नहीं मगर मच्छ मिली है आज तुझे दल्ले, जिंदगी नहीं मौत मिली है। ये, ये, क्या टकला डाकू मौत से बचने के लिए अस्पताल में भाग गया? हाँ गंगा, वो अस्पताल भाग गया लेकिन वो तो बीमार नहीं था। अरे वो डाकू बनने से पहले नौटंकी में काम करता था, अब वो अस्पताल पहुंचकर अपनी नौटंकी दिखाएगा, लेकिन आज मैं उसकी नौटंकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर, 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 हार्ट अटैक हो गया, मेरे को हार्ट अटैक हो गया, मैं मर गया, डाकू टकला सिंह मर गया, डॉक्टर कहाँ है? अरे कोई कोई कुर्सी, मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई, नर्स, नर्स, कोई है, कोई है, कोई है भाई, मेरी टांग। हाँ, ऑपरेशन, ऑपरेशन थिएटर, बत्ती जल रही है, लेकिन मैं किस बात का ऑपरेशन, दिल का, टांग का, लात का,
हाथ का, आंख का, मुंह का, कान का। नहीं, कान का। हिजड़ा, ठाकुर भी मर गया। मैंने कहा था ना, ठाकुर करेगा, भरेगा और मरेगा भी। कहीं ऐसा ना हो कि हम तीनों भी गंगा के हाथों मारे जाएं। हम नहीं मरेंगे गब्बर, पर हमारे हाथों वो माटी मिले, गंगा मरेगी। वो कैसे? वो ऐसे, मैं बनूंगा दूल्हा और जब तारा भाई चूल्हा जलाने आएगी तो गंगा अपने आप मुझे बचाने के लिए आ जाएगी। तेरे चाल के जाल में फंस गई, देख मैं तेरी बाजी पलट दी। अब बोल, मुंह खोल कर बोलेगा कि तू कैसे मरेगा और तेरी ये बेटी ताराबाई कैसे मरेगी।
ए निगाड़ी, देख खोल भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ। तेरी बाजी तो वैसे ही पलट गई। पगली कहेगी जरा पीछे मुड़कर देख, रामगढ़ का राजा तेरा पिता गब्बर सिंह आया है। हाँ गब्बर। तो अब आई है ऊटी पहाड़ के नीचे। देखा ना गंगा, महंगा पड़ा ना लेना गब्बर से पंगा। इस पिस्तौल में कितनी गोली है, कितनी गोली है मालूम है तुम्हें? 6 गोली, और सारी की सारी गोली मैं तेरे सीने में उतार दूंगा गंगा। सुन लिया तूने? तेरे सीने में उतार दूंगा, समझी? मुझे पकड़ कर इतना मत कर गब्बर, बर्बाद कर डालूंगी वीरान पड़े शमशान को, आबाद कर डालूंगी। बापू चिड़िया बहुत चौं चौं कर रही है, बोलो तो इसके मुंह में डाल दूं मौत का दाना। ना 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 ना, अभी तो इसके यार को है आना। मेरा जीवा अगर जेल से भाग कर आ गया ना तो छक्के, तुम तीनों की खैर नहीं। आ गया जीवा। जीवा बोलो, आ गया निगोड़ा गोली का नहीं। तेरी गोली से बड़ा है ये मौत का गोला, जिसका वजन है 9 मन। तेरी गोली का वजन है 6 ठटाक 5 तोला। गोली गोले का कुछ बिगाड़ सकती नहीं, जीना फाड़ना तो बड़ी बात है, सर का बाल उखाड़ सकती नहीं। अच्छा तो फिर देख मैं तेरा क्या क्या उखाड़ती हूँ रे। Oh, my God.
छक्के छक्के मैं तेरे छक्के छुड़ा दूंगी। आज तू गब्बर के हाथों से नहीं बचेगा। शोले में तूने गब्बर को पकड़ा था, बिल्कुल इसी तरह सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। कुछ उल्टा नहीं हुआ है गब्बर, सब कुछ सीधा हो रहा है। ये शोले नहीं, ये मेरी गंगा की सौगंध है, सौगंध। छोड़ दे गंगा, यहाँ मुझे दे दे गब्बर, यहाँ मुझे दे दे गब्बर, यहाँ यहाँ मुझे दे दे। कितनी गोलियां हैं इसमें, कितनी गोलियां हैं इसमें? छह गोली। अबे गब्बर, तेरे लिए छह नहीं, एक ही काफी है। नहीं, नहीं करना। गंगा सदका जाऊं तेरे मैया, तू भी गंगा ये भी गंगा, और तू तो मैली हो चुकी है रे। मेरे जैसे कमीनी को मार कर इस गंगा को मैली मत कर रे। कौन कहता है कि गंगा मैली होती है? अरे गंगा तो पापियों के पाप धोती है। दैया मरण आ गई, अब पूरी हो गई मेरी।